You have to rehearse your pitch. Yes, absolutely. So it's not scripted, but it's for a show. So you have to rehearse your pitch with the production and technical teams. Either they will turn your pitch upside down, जैसा हमारा हो गया. दूसरा, they will say, speak this in Hindi. Okay, so see, for them it's very easy. Maybe they do this day in, day out. हमने लाइफ में पिच हिंदी में नहीं दी है. VCs कोई हिंदी वाले नहीं है, सब अंग्रेजी बाबू है जो पैसे देते हैं. इस देश के हिंदी वाले लोग शेयर बाजार में पैसे डालते हैं. And सो also, all the guys from Bangalore and down south and हाँ all हाँ स्क्रूड अप Hindi, रॉली, टोटली स्क्रूड अप. so they can't go on Shark Tank. सो वंस आई ट्वीटेड, लॉट ऑफ गाइज ऑल्सो ट्वीटेड एंड केम आउट दैट वी वर नॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज वी कुड नॉट कन्वर्स इन फ्लुएंट हिंदी. बट उसमें सबसे बड़ा दोगलापन बिकॉज था, बिकॉज आई रिमेम्बर वो बनाना चिप्स वाला था, उसने तो यार पूरा इंग्लिश में बोला. रशनीर तो बोला, या आप केरला से हो तो आप इंग्लिश में बोल दो. और हमको एबिट्टा का हिंदी वर्जन पूछ रहा था अनुपम मित्तल. मैं बोलने वाला था यार बैलेंस शीट एबिट्टा हमको भी नहीं पता हिंदी में क्या है भाई. सो आर आस्क वाज 4 करोड़, देन इट बिकेम 2 करोड़. और बिफोर बिफोर द डे ऑफ द शूट बोला 1 करोड़ मांग. मैं बोला भाई कटोरा लेके घुसता हूं अंदर, हाँ जो भीख दे दे मुझे 4 करोड़ रेस करने. तुमने सालों 2 बना दिया, अब बोल रहे ते लोग पैसे नहीं दे रहे. एक के ऊपर ओके मांगेगा तो साथ में आएंगे शार्क्स, कोई मतलब नहीं है. 50 लाख मांग. तो अनुपम केम बैक, पहले पिवट, फिर उसने बोला मैं पैसे देता हूँ, बट यू हैव अ B2B2C मॉडल, आई डोंट लाइक दैट. तो आप आइदर B2B करो, मतलब आप आइदर यूनिवर्सिटीज को बेचो और उनसे पैसे लो, या बच्चों से पैसे लो, दोनों मत करो, राइट? अब ओके मैंने बोला ठीक है, तेरे 50 लाख लेने के लिए मैं मेरा धंधा चेंज कर दूँ. सो यू आई रोल गेट अ लुक एट दी इच अदर. और हम मेरे मुंह से तो विराट कोहली जैसी पहले गाली निकलती है, बेन स्टोक्स. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन वी स्पोक अबाउट अ स्टूडेंट मार्केटप्लेस, ही सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट लेंडिंग टू स्टूडेंट्स. तो केतन बोला ठीक है तू पैसे दे मैं लेंड करता हूँ. वो तो फिर बैंटर में घुस गया था. हाँ, मतलब तू तू मैं पे आ गया था, तू दे मैं करता हूँ, तू आ जा भाई बाहर. ओके दिस वाज ऑल सो अलाउड दिस हां द इज, प्रोडक्शन वाज नॉट गेटिंग ऑल एंटसी नो अबाउट नो, द हमको कट करने को कुछ नहीं बोला, हां उनको कुछ बोल रहे तो वी डोंट नो, बिकॉज सडनली वो ऐसे हो जाते थे. वो अंपायर वाली फीलिंग आती थी मुझे कि इसको कोई तो कुछ बोल रहा है.